नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook Lite ऐप पर अपने स्टोरी की फोटो पे MP3 कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने स्टोरी में MP3 को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पहले ये फीचर Facebook के ऑफिशियली ऐप में आता था, मगर अभी हाल ही फिलहाल में ये फीचर Facebook Lite ऐप के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फेसबुक के स्टोरी में फोटो पे MP3 लगाने के लिए ओपन करते हैं अपने Facebook Lite ऐप को। Facebook Lite ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक फीचर होता है ऐड ए स्टोरी का, यहाँ पे आप अपनी स्टोरी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने स्टोरी में MP3 को लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड ए स्टोरी पे। ऐड ए स्टोरी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप कैमरे से फोटो लेकर उस फोटो पे MP3 लगा सकते हैं और उसके बाद ये सभी आपकी गैलरी की फोटो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इस पे MP3 को लगाने के लिए। फोटो को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से आप कुछ फोटो पे सिंबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस सिंबल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इसे सेट कर दे रहा हूँ और मैं अपने फोटो पे MP3 लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिल रहा है MP3 आइकॉन का, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है। दोस्तों ये फीचर पहले Facebook Lite ऐप में नहीं था, अब इसे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर में आपको सॉन्ग की लाइब्रेरी मिल जाती है, पंजाबी, इंडियन पॉप और इसके बाद बॉलीवुड और उसके बाद भी बहुत सारे लाइब्रेरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर यहाँ से चाहें तो आप किसी भी सॉन्ग को सर्च करके अपने स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं तेरे नाम और यहाँ पे इसे हम सर्च करते हैं। तो सर्च कर देने के बाद तेरे नाम से जितने भी सॉन्ग हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं और अपने स्टोरी में लगाने के लिए आपको क्लिक करना होगा ऐड टू स्टोरी और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फाइनली शेयर नाउ पे। शेयर नाउ पे क्लिक कर देने से आपकी स्टोरी अब फेसबुक में लग जाती है। तो इस तरह से आप भी बड़े आसानी से फेसबुक लाइट में अपने फोटो पे स्टोरी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।